हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राजस्थान एकेडमी। मैं प्रवीण सिंह राव आज आप सभी लोगों के साथ में दोस्तों बात करने वाला हूँ आपके ACF के अंदर जो जिन जिन स्टूडेंट ने मैथ्स एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है उनके लिए। ठीक है दोस्तों, तो आपने अगर मैथ्स ऑप्शनल लिया है तो अब मैथ्स ऑप्शनल का आपने सिलेबस भी निकाल लिया होगा और सिलेबस में आपने देखा होगा इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर दोस्तों आपका फर्स्ट टॉपिक दे रखा है डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, उसके बाद में चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, उसके बाद में दे रखा है गामा एंड बीटा फंक्शन। ठीक है, जो कि आप लोगों ने देख लिया होगा। तो दोस्तों आज मैं जो है आप लोगों के साथ में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, ये तो है गामा, आप सभी लोग जानते हैं ये है बीटा, तो गामा एंड बीटा फलन के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब गामा एंड बीटा फलन होते क्या है बेसिकली, तो ये आपने ग्रेजुएशन सिस्टम के अंदर पढ़े होंगे आपके, लेकिन मैं बता दूं, देखिए गामा जो है फलन ये एक प्रकार का एक इंटीग्रेशन, ये एक ये पर्टिकुलर फंक्शन होता है, उस फंक्शन को हम क्या कह देते हैं, ये गामा फलन है। और बीटा फलन का भी ऐसा ही सिस्टम है कि एक फंक्शन होगा पर्टिकुलर जिसे आपको याद रखना है कि ये बीटा फलन के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर हम पहले बात करेंगे कि गामा फलन होता क्या है। तो देखिए गामा फलन वो है दोस्तों, तो आज आप टॉपिक डाल दीजिए अंदर आपके कि गामा फलन। ठीक है, तो गामा फलन बेसिकली दोस्तों ये है, देख लीजिए, जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक इंटीग्रेशन किया जाता है। ठीक है, जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक इंटीग्रेशन किया जाता है किसका, एक्स की पावर एन माइनस वन, वन सेकेंड, एक्स की पावर क्या है, एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेशन है दोस्तों इसे आप क्या कह देते हो, गामा फलन कहा जाता है। इसमें और कुछ भी नहीं है, और गामा फलन को जो डिनोट करोगे आप मैथ के अंदर, वो डिनोट करने का तरीका है उल्टा एल कर करके उसके अंदर ब्रैकेट में एन लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, इसे ही कहा जाता है गामा फलन, ये आपका है गामा फलन। और इसे जो है दोस्तों आप ऑयलर गामा फलन के नाम से भी जान सकते हो, तो आपको नाम से ज़्यादा ये याद रखना है कि इसका काम क्या है। ठीक है, तो ये क्या है, गामा फलन है। इस इंटीग्रेशन हमें क्या करना होता है दोस्तों, बेसिकली इसका यूज हम कैसे करेंगे, तो देखिए कोई फंक्शन दे दिया जाए, उस फंक्शन को हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, फिर इस फॉर्म में कन्वर्ट करते ही इसका आंसर जो है पर्टिकुलरली आगे जो मैं आपको बताऊँगा उस हिसाब से इसका आंसर निकल जाता है। लेकिन इससे पहले दोस्तों जो ये हमने लिखा है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जो ये हमने लिखा है गामा फलन, इसी प्रकार से गामा फलन की कुछ जो है गुणधर्म हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं, उसकी सम प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन, उसके बारे में हम दोस्तों बात करेंगे। और वो फंक्शन आपको दोस्तों याद रखनी है डायरेक्ट ही, तो आप लोग लिख लीजिए दोस्तों प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज जिसे आप हिंदी में गुणधर्म कहते हैं, शुद्ध हिंदी की जगह आप थोड़ा बहुत इंग्लिश को जरूर सीखे। ठीक है, तो गामा ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू होता है दोस्तों आपका एन गामा ऑफ एन, ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, ये बहुत काम आएगी आपके। और इससे जो है दोस्तों आप कहते हैं कह सकते हो आप रिपीटेड फॉर्मूला ऑफ रिपीटेशन, ठीक है, फॉर्मूला ऑफ रिपीटेशन भी कह सकते हो। और हिंदी में इसे कहा जाता है कि गामा फलन का जो पुनरावृत्ति सूत्र होता है दोस्तों वो इसे कहा जाता है। और यहाँ पर जो है एन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, नॉट लेस देन, लेस देन होते ही इसके आंसर अलग हो जाते हैं, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी है दोस्तों गामा ऑफ वन जो होता है दोस्तों वो हमेशा वन ही होता है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों थर्ड प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, गामा ऑफ एन प्लस वन को जो है दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल ऑफ एन भी लिखा जा सकता है। ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ एन भी आप लोग लिख सकते हो गामा ऑफ एन प्लस वन को। इसके बाद में दोस्तों मैं आगे अगर बात करूं तो जो है अब हमें ये प्रूफ करना है, अगर देखिए इसके जो प्रूफ होते हैं वो दोस्तों आप लोगों को याद नहीं रखने हैं कैसे आते हैं क्या आता है। और इसे जो है दोस्तों आप ऐसे भी लिख सकते हो एन फैक्टोरियल, आप लोग जानते होंगे ये एन फैक्टोरियल होता है। ठीक है, अब जो दोस्तों है इनकी जो प्रूफ होता है वो आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, हमें सीधा सीधा सा जो है बस ये याद रखना है कि ये क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों बात करें तो अगर हम जो है यहाँ पर y बराबर, देखिए जो लास्ट मैंने फॉर्मूला लिखवाया है आपको, ये फॉर्मूला आपने नोट कर लिया होगा, यहाँ पर अगर दोस्तों हम जो है कुछ इसकी जो कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म्स ऑफ गामा फंक्शन जो है दोस्तों वो पढ़ेंगे, तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म्स जो होती है गामा की वो याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर अगर हम ऐसा कर दें क्या x बराबर log of 1 by y कर दें, या xn बराबर हम y कर दें,
या एक्स बराबर ए जेड कर दें या एक्स बराबर वाई स्क्वायर वाई क्यूब, इस प्रकार से कुछ जो है दोस्तों हम अगर यहाँ पे चेंजेस कर दें तो उन चेंजेस के कारण जो आंसर आते हैं वो आंसर भी आपको बिल्कुल याद रखने हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं, तो हम सबसे पहले दोस्तों जो है रखेंगे एक्स बराबर लॉग ऑफ वन बाय वाई, ठीक है। तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, देखिए तो इससे जो है दोस्तों हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर आप लिख लीजिए कि ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शंस या गामा फंक्शन, ठीक है। इसके अंदर हम क्या रख रहे हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन में हम दोस्तों x बराबर क्या रख रहे हैं, log ऑफ वन बाय वाई, ठीक है। इनको दोस्तों सिंपल सा थोड़ा सा याद रखना है अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो, लेकिन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगा, तो इसलिए आप इसको निश्चिंत रहें, टेंशन ना लें, ठीक है, किसी भी प्रकार से। x और ये बेसिकली आपने ग्रेजुएशन के अंदर भी पढ़े होंगे, ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल ही ना पढ़ा हो गामा और बीटा फंक्शन के बारे में। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, अब x बराबर y log ऑफ 1 बाय y रखेंगे, तो यहाँ से जो है दोस्तों हमें y की वैल्यू निकालूँ अगर, तो वो आएगी हमारे पास में e की पावर माइनस x, ठीक है। e की पावर माइनस x आते ही दोस्तों अब इसका दोनों तरफ से डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, डी वाई इज इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा, ये माइनस बार आ जाएगा और e की पावर x का e की पावर माइनस x ही हो जाएगा इंटू डी एक्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो है दोस्तों एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वो ई एक्स ही होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस वन था इसलिए जो है माइनस वन बाहर आ गया, बाकी एज इट इज रह गया है। तो ये आप लोग जो है प्रॉपर्टी यहाँ पर नोट करते हुए चले, इस प्रकार से किसी भी चीज़ का जो है नोट करवाऊँ तो वो नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। तो हमारे पास में आ गया डी वाई बराबर ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हमें कुछ नहीं करना है, जो हमारा फलन था पहले गामा फलन वो क्या था, देखिए कि जीरो से लेकर के इनफाइनाइट, क्या था, जीरो से इनफाइनाइट एक्स की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये हमारा फंक्शन था दोस्तों। अब हमें देखो पता चल गया है कि ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स को हम जो है पीछे वाले से अगर देखें तो यहाँ से क्या मैं रिप्लेस कर सकता हूँ ना माइनस डी वाई के रूप में, तो चलिए। और दूसरा जो है दोस्तों यहाँ पर लिमिट चेंज हो जाएगी, क्यों, x बराबर अब log ऑफ 1 बाय वाई है, जब x जीरो था दोस्तों तो y की वैल्यू क्या देगा, ये आप अगर निकालेंगे तो देखिए क्या दे रखा है हमें कि log ऑफ, देखिए वन सेकेंड, हमारे पास में क्या आ चुका है दोस्तों, y बराबर e की पावर माइनस x, x की वैल्यू जैसे जीरो पुट करोगे दोस्तों तो ये बन जाएगा वन अपॉन में e की पावर जीरो, और वन अपॉन में e की पावर जीरो का मतलब क्या हुआ कि वन ही आएगा, तो जब ये जीरो होगा तब तो ये वन दे रहा है, ठीक है, जब x बराबर जीरो होगा। लेकिन जैसे ही हमारे पास x बराबर इन्फिनिटी आता है तो y बराबर क्या हो जाएगा, वन अपॉन में e की पावर इन्फाइनाइट, वन अपॉन ई की पावर इन्फाइनाइट इन्फाइनाइट होता है, वन अपॉन इन्फाइनाइट जीरो होता है, तो ये आगे वाई की, तो अब जो है दोस्तों वाई की लिमिट आ चुकी है हमारे पास में, ठीक है। जब ये देखिए एक्स बराबर इन्फाइनाइट लिया है, ये सेकंड केस है और ये फर्स्ट केस था, तो अब हम क्या करेंगे, लिमिट चेंज कर देंगे सबसे पहले, तो लिमिट की जगह तो क्या आ जाएगा, देखिए जीरो से लेकर के वन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, लॉग ऑफ वन बाय वाई की पावर एन माइनस वन, ठीक है, और डी वाई का डी वाई, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों देखिए अब जो है हमने जीरो से, जो आप सोच रहे होंगे कि नेगेटिव साइन कहाँ गया, तो नेगेटिव साइन दोस्तों मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, कैसे लिखा वो देखिए, जब जीरो था दोस्तों लिमिट, तो हमारी लिमिट क्या आ रही है, देखो जीरो रखने पर वन, तो यानी कि ये होना क्या चाहता, वन से जीरो लिमिट होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने देखिए क्या रख रखी है, जीरो से वन। तो आप लोग जानते होंगे कि जब हम लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं तो हमारा साइन भी जो है इंटरचेंज हो जाता है, इसलिए अगर मैं ये वाली लिमिट रखता तो नेगेटिव साइन के साथ रखता, लेकिन जैसे ही मैंने लिमिट चेंज की तो नेगेटिव नेगेटिव को उड़ा दिया, तो ये जो है दोस्तों इस फॉर्म में बन जाएगी अब। तो ये एक्स बराबर अगर वन बाय वाई है तो ये फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों
अगर मैं जो है दोस्तों सेकंड फॉर्म की बात करूं, जिसके अंदर जो है हम क्या करेंगे, x की पावर n, अगर हम x की पावर n बराबर y रख दें तो क्या होगा, तो यहाँ पर अगर हम वापस से निकालें तो dy बराबर क्या आ जाएगा, n x की पावर n माइनस वन आ गया है, ठीक है। और जब इससे आप दोस्तों ये वैल्यू वहाँ पर पुट करके इसे जब सॉल्व किया जाता है दोस्तों, तो ये हमें देता है इंटीग्रल जीरो से लेकर के इनफाइनाइट e की पावर में माइनस वाई की पावर वन अपॉन में एन डी वाई, और ये जो है दोस्तों आपके इक्वल होता है इंट्री जो गामा ऑफ एन प्लस वन, ठीक है। वन सेकेंड, ये जो है यहाँ ये नहीं आएगा, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो गामा ऑफ एन के इक्वल था, फिर आपने गामा ऑफ एन प्लस वन कैसे रखा, तो दोस्तों जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास में गामा ऑफ एन, और यहाँ पे बार जो है इसका, जब ये देखिए एन है तो ये एन इसके नीचे में आएगा, तो वन बाई एन आएगा, एन का मल्टीप्लाई जो गामा ऑफ एन से होगा तो ये आ जाता है। तो आपको बेसिकली डायरेक्ट याद रखना है कि जब वाई बराबर एक्स की पावर एन हो तो जो फंक्शन बनता है वो जीरो से इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस वाई की पावर वन बाई एन डी वाई हो जाता है, और इसकी वैल्यू रूट जो गामा ऑफ एन प्लस वन होती है, ये डायरेक्ट याद रखना है। इसमें ज़्यादा दिमाग अपना कुछ भी नहीं लगाना है, ठीक है, अपना कोई भी फालतू का दिमाग मत लगाना, बट जो चुपचाप बता रहा हूँ वो नोट करते रहिए और इनको डायरेक्ट याद रखिए। ये जब क्वेश्चन करवाऊँगा तब आपको सब कुछ समझ में आता जाएगा कि कैसे कैसे यूज करना है। इसके बाद में दोस्तों आप लोगों के सामने जो है मैं थर्ड ला रहा हूँ, और थर्ड फॉर्म है अगर एक्स बराबर ए जेड हो, मतलब कि एक्स बराबर कॉन्स्टेंट इंटू कोई, जेड की जगह आप वाई भी ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जब इसमें जब दोस्तों x बराबर ए जेड लिया जाता है तो बनता है फंक्शन हमारा गामा ऑफ n अपॉन में a की पावर n इजिकल टू इंटीग्रल जीरो से लेकर के इनफाइनाइट x की पावर n माइनस वन e की पावर माइनस ए एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये भी डायरेक्ट याद रखना है, जब x बराबर a इंटू कोई y z ऐसा कुछ फंक्शन दे रखा हो तो आप उसे गामा ऑफ एन अपॉन ए की पावर एन जीरो से इनफाइनाइट, ये तो डायरेक्ट बन ही जाता है, और ये हम लिख सकते हैं गामा ऑफ एन अपॉन में ए की पावर एन, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों को जो है कुछ फॉर्म दे दी जाती है। अगर आपको इसकी जगह देखिए एक्स पावर एन बराबर वाई दे दिया, हो सकता है कि एक्स बराबर वाई स्क्वायर दे दे, तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे जो मेथड पहले में मैंने बता दिया वैसे ही रख के इनको सॉल्व करना है। ये कुछ स्पेसिफिक थे इसलिए मैंने आप लोगों को ये याद करवाए हैं, बाकी आपको जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में दोस्तों हमने जो है अभी बात की थी कि गामा ऑफ एन ये जो होता है दोस्तों, गामा ऑफ एन इजिकल टू क्या होता है, एन इंटू एन माइनस वन होता है, या नहीं, मतलब देखिए आपको मैंने अभी जो बताई है वो ही लिखवा देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या लिखवाया था जस्ट कि गामा ऑफ एन प्लस वन इजिकल टू होता है एन ऑफ गामा एन, ये तो तब था ना जब एन ग्रेटर देन जीरो हो। क्या आपके दिमाग में आया कि अगर एस एन जो है वो लेस देन जीरो हो गया तो क्या होगा, या इक्वल टू जीरो हो गया तो क्या होगा। ये तो ग्रेटर देन जीरो के लिए लेस देन भी हो सकता है और इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। तो दोस्तों आपको यहाँ डायरेक्ट याद रखना है कि गामा ऑफ माइनस एन यानी माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री कुछ भी हो, वो जो है दोस्तों इक्वल होता है माइनस वन की पावर एन इंटू इनफाइनाइट, बस ये हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊँ तो गामा ऑफ माइनस टू की वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, माइनस वन की पावर में एन की वैल्यू तो क्या है टू इंटू इनफाइनाइट, माइनस वन का स्क्वायर यानी कि प्लस वन बन जाएगा, तो वन इंटू इनफाइनाइट क्या होगा, इनफाइनाइट, ठीक है। इस जगह अगर पॉड कोई होता थ्री हो जाता तो यह क्या देता माइनस, तो फिर माइनस इन्फिनिटी आ जाता, ठीक है। उसका भी आप एग्जाम्पल नोट कर सकते हो कि अगर माइनस फाइव होता तो क्या हो जाता, माइनस वन की पावर में फाइव इनफाइनाइट इजिकल टू माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये दोस्तों जो है आपको नेगेटिव पॉजिटिव मैंने दोनों बता दिए हैं कैसे सॉल्व किए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को अब जो है
एक और स्पेसिफिक याद रखना है कि गामा ऑफ 1/2 जब भी बनेगा उसे हम जो है दोस्तों क्या लिखेंगे, रूट ऑफ पाई लिखेंगे। तो गामा ऑफ 1/n इजिकल टू रूट ऑफ पाई होता है दोस्तों, ये भी आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि आपके जो है यहाँ पर कोई एग्जाम में ये नहीं कहेगा आपको कि इसको सॉल्व करके बताइए, आपको डायरेक्ट जो है बस ये बताना होगा कि रूट अगर गामा ऑफ हाफ है तो उसकी वैल्यू रूट पाई यूज करनी है। ये आपको क्वेश्चन में यूज करेंगे, मैं क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। किसी पर भी प्रकार का ये मत सोचिएगा कि हमें कब क्वेश्चन करवाएंगे या क्या करवाएंगे, क्वेश्चन करवाने के लिए इससे पहले मुझे है जो साइन एम ऑफ एक्स की पावर इंटू एन कॉस एन एक्स के जो सॉल्यूशन आते हैं वो आपको बताने पड़ेंगे। उन सॉल्यूशन के अंदर ये गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन जो है बेसिकली यूज होते हैं। गामा और बीटा फंक्शन का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, ये कहीं ना कहीं रूप के अंदर यूज होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है दोस्तों छोटा सा एक डेमो वीडियो था आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, और हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करें कि हाँ सर समझ में आ गया और अच्छा लगा हो तो ज़रूर, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि पूरा मैथ का सिलेबस बिल्कुल भी आपको जो है यूट्यूब के द्वारा ऊपर हमारे द्वारा नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि आप लोग जानते हो यूट्यूब के ऊपर इतना लंबा सिलेबस जो है कम समय में नहीं करवाया जा सकता, उसके लिए आपको पेड कोर्स की आवश्यकता है। तो आप पेड कोर्स लेना चाहो तो आप ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर पहले कॉन्टैक्ट करें तो आपको वहाँ पे सिस्टम बता दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।